तो गाइस रील शूट हो चुकी है, अब सोनू को जा रहा हूँ उसके घर छोड़ने के लिए और काजू कटली लेके आऊंगा, ठीक है? कौन सी काजू कटली? सिर्फ ख्वाबों में देखो, ख्वाबों में। तुम मुझे काजू कटली नहीं खिला सकते? नो। मतलब मेरी इतनी कीमत नहीं है ना। मैंने ज्यादा इसे सिर पे चढ़ा दिया ना, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। Walking down the streets, feeling the breeze. Hey guys, welcome back to Rohit and Sony Vlogs and आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से गाइज। फिलहाल घर पे हूँ तो जल्दी उठ जा रहा हूँ, अभी मॉर्निंग वॉक करके मैं आ चुका था, नहा धो लिया है, अब जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मम्मी किचन पे ब्रेकफास्ट लगा रही है तो लेके आते हैं। मम्मी क्या बना रखा है आज? भिंडी की सब्जी है, बैगन है, हरी सब्जी है। तो आज नाश्ते में भिंडी, हरी सब्जी और दही। एंड द थिंग इज गाइज, हमारी तो दिवाली होती नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ मैंने आज तक दिवाली नहीं देखी, तो इसलिए मैंने सोनू को बोला कि यार एक काजू कटली का डिब्बा तो भेज ही देना, तो देखते हैं मिठाई भेजती है नहीं भेजती है। क्या लगता है भेजेगी? मिठाई भेजेगी, मिठाई मिठाई हो जाती है। काजू कटली क्या बताया, भेजेगी तो भी सही, नहीं भेजेगी तो भी सही। चलो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा भी और मम्मी का भी। ये मम्मी की नीचे स्पेशल थाली है तो बाहर रख के आता हूँ इसे। लक्कू भाई ने अपने सारे पटाखे धूप में सुखा रखे हैं और ये पटाखे कल लेके आया था मैं लक्कू के लिए, जिसमें दो स्काई शॉट हैं, अनार है और ये चटाई बम है गाइस। और पटाखे अब इतने ज़्यादा महंगे हो गए ना, जब हम छोटे थे ना तो मतलब 200-300 रुपये में काफ़ी सारे पटाखे आ जाते थे, लेकिन ये पटाखे 1500 रुपये के हैं। लग नहीं रहूँगे 1500 रुपये के पटाखे। गाइज अब मुझे जाना है मार्केट, पापा ने आज मटन मंगा रखा है क्योंकि आज दीदी भी आ रखी है ना चंडीगढ़ से, आपको उससे भी मिलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो रामनगर में मटन मिलता है लेकिन पापा को यहाँ का पसंद ही नहीं है, तो मुझे यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर गुजानी है ना, उधर जाना पड़ेगा, वहाँ का मटन अच्छा मिलता है और फ्रेश मिलता है, तो चलते हैं। गाइज मटन लेके मैं आ चुका हूँ, पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, मम्मी किचन में। मम्मी मसाला तैयार कर दिया, ये लो ले आया मैं। मम्मी व्लॉग देख रही है भाई, देखो पापा तुमने मटन मंगाया था ना, आ गया गोजानी से। मैंने उससे कहा हड्डी वाले पीस में डालना, जबरदस्ती हड्डी डाल रहा है यार, दांत हाथ तो चले। तो मम्मी तो खाना बना रही है और मैं जा रहा हूँ अब रील शूट करने, सोनू निकल चुकी है घर से, तो रील शूट करके फिर आके मैं लंच कर लूंगा। तो गाइज रील शूट हो चुकी है, अब सोनू को जा रहा हूँ उसके घर छोड़ने के लिए और काजू कटली लेके आऊंगा, ठीक है? कौन सी काजू कटली? सिर्फ ख्वाबों में देखो, ख्वाबों में। तुम मुझे काजू कटली नहीं खिला सकते? नो। मतलब मेरी इतनी कीमत नहीं है ना। मैंने ज्यादा इसे सिर पे चढ़ा दिया ना, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। क्या बाय बाय सोनू, बाय बाय। रील शूट हो चुकी है, मैं भी घर निकल रहा हूँ। ओके गाइस पहुंच चुका हूँ मैं घर और मम्मी ने लगा दिया लंच, आज मटन बन रखा है तो सब लोग बैठ के खा रहे हैं। दीदी आ चुकी है चंडीगढ़ से, वायरल मोमो गर्ल, और यहाँ पर कैंडी ले रही है हड्डी के मजे। कैंडी ज्यादा मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। लक्कू तूने खा लिया? लक्कू तो खाता ही नहीं गाइस, नॉन वेज नहीं खाता, फ्राइड राइस। ओके गाइस खाना पीना हो चुका है और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको गिफ्ट्स जो कि दिवाली पे दीदी को मिले हैं और कुछ पापा को मिले हैं। अभी तो और गिफ्ट्स आने हैं क्योंकि हमारी दिवाली नहीं होती है ना, तो आते ही हैं बस। और गाइस दीदी को ना ये बेडशीट मिल रही है उसके स्कूल से, कौन से स्कूल जाती है? USR ना। और क्या दिया? मिठाई, इसमें लड्डू ही होंगे। और गाइस ये पापा के ऑफिस से आ रखा है डार्क फैंटेसी का डब्बा। और ये मिल लो गाइस वायरल गर्ल, वायरल मोमो गर्ल चंडीगढ़ वाली आ चुकी है रामनगर। हेलो दीदी, क्या हाल चाल? हेलो गाइस। गाइस ये कॉर्पोरेट मजदूर ऐसे होते हैं, इनको मतलब घर में छुट्टी मार रखी है और फिर भी काम। मोमो काम कर रही तुम्हें दिक्कत ही है और ये काम कर रही तुम्हें दिक्कत ही है, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? तू घर बैठ आराम से, मम्मी लोगों की सेवा कर। गाइस मेरी शादी भी नहीं करा रहे हैं ये, मैं तो कह रही हूँ शादी करा दो। चाहिए तो होता ही है ना खर्चा पानी, तुम मुझसे काम मत ही करो कह रहे हो, अब क्या करूँ, उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो एक काम कर, सूप बेच ले, चिकन सूप रामनगर में। करूंगी मैं, वैसे ये काम तो करूंगी मैं, लेकिन अभी नहीं। करेगी गाइस ये करेगी, 50-60 साल की उम्र में। क्या 50-60 साल की उम्र में अपने हड्डी का सूप बनाएगी? तो अभी मैं जा रहा हूँ कोटाबाग और ये डार्क फैंटेसी की बिस्किट लेके जाऊंगा बच्चों के लिए। दीदी तो ट्यूशन पढ़ाने लग गई है, अब कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और गाइस मैं निकल रहा हूँ कोटाबाग को, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, 1.5 घंटे में। फिर कल मम्मी भी आएगी तो शाम को मैं मम्मी वापसी आएंगे, मम्मी बस से आएगी मॉर्निंग में। तो गाइस पहुंच चुके हैं कोटाबाग और गांव में पहुंच के अलग ही फील आता है भाई। यहाँ देखो खेतों में लग रखे हैं फूल और इस टाइम पे ना फूल का सीजन है। पंकज भाई क्या कर रहे हो, बेच नहीं रहे? कल को तोड़ेंगे तभी तो परसों भेजेंगे। क्या रुपए किलो चल रहे हैं अभी? 60 रुपए किलो फूल भाई, 60 रुपए किलो। लेकिन यार 1 किलो में बहुत आते होंगे ना? हाँ सस्ता है इस बार, क्योंकि फूल ना बहुत हल्का होता है, तो 1 किलो में सोचो कितने सारे फूल आते होंगे। और अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, फिर उसके बाद शादियों का टाइम चल जाता है, तो यहाँ पर अभी फूल की खेती भी कर रखी है और टमाटर लगा रखे बीच में। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, वहाँ दरवाजा खोल देता हूँ, फिर आज वहाँ लाइट भी खोल दूंगा क्योंकि भाई उधर कोई नहीं रहता, उधर रहता है शाम के टाइम पे फुल अंधेरा। तो आज मैं आ चुका हूँ ना, तो आज रात को लाइट वगैरह खोल देंगे, अच्छा सा लगेगा क्योंकि दिवाली का टाइम भी है। हम लोगों की दिवाली होती नहीं है भाई, हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमारी एक दादी जी थी ना, तो वो फूल तोड़ रही थी
और बड़ी दिवाली के दिन वो माला बनाने के लिए फूल तोड़ रही थी, खेतों में गई थी ऐसी बीच में कहीं, तो उनको सांप ने काट लिया और उस दिन वो एक्सपायर हो गई। तब से आज तक जब तक या तो कोई गाय का बच्चा पैदा नहीं होगा या फिर इंसान का बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक दिवाली नहीं होगी। अब कोई बोल रहा था कि भाई प्लानिंग करके बच्चे पैदा करते तो हो जाती, फिर भी नहीं होती भाई। मैं ना दिवाली से दो चार दिन लेट पैदा हुआ, क्या पता मैं हो जाता दिवाली शुरू हो जाती। भाई इधर ही पटाखे फूट रहे हैं फूल। चलो हल्के हल्के चलते हैं अपने घर की तरफ को। ये देखो भाई ताई तोड़ रही है खेतों में फूल। क्या लगता है कितने किलो निकल जाएंगे कल? निकल जाएंगे 10-12। 10-12 किलो निकल जाएंगे। माला बनाएंगे माला। हाँ तो आप माला बना के भेजोगे? और माला आप ही बनाओगे? शाम को बनाएंगे। फूलों की माला बनेगी तब वो महंगे बिकेंगे, अगर ओपन फूल बेचेंगे तो फिर 60 रुपए किलो है, जिसमें इतना ज्यादा पैसा आएगा नहीं। तो ये खेत में आप देख रहे हो ये सारे के सारे धान है, और ये धान परसों मम्मी और मामा लोग आए थे तो उन्होंने काट दिए, कल इन धानों की मड़ाई होगी, और इनको 4 दिन हो चुके हैं ऐसे, तो ये सूख भी गए अब। चलो अब यार खेती बाड़ी तो दिखाते रहूंगा, अभी घर चल रहे हैं, पहले सामान वगैरह रखता हूँ। पहुंच चुके अपने घर पे, दरवाजा खोलते हैं अब। तो हम अपने घर पहुंच चुके थे और चाची ने एक न्यूज दी भाई, ऐसी न्यूज आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो अम्मा ने बताया कि इनकी गाय भी आ रखी है, आज ही भी आई ना। हमारा त्यौहार उस दिन मनेगा जिस दिन हमारा घर में या तो किसी इंसान का बच्चा होगा या फिर गाय का बच्चा होगा, लेकिन मिस हो गया गाइस, कल लक्ष्मी पूजा है। अगर कल भी आती तो चल जाती भाई, त्योहार चल जाता हमारा। सोचो मैंने इतने वर्षों हो गए मैंने आज तक अपने घर में दिवाली नहीं देखी। बहुत साल है गए, तक से कह रही हूं तो साल में दिवाली छूट रही है। मैं पैदा हुआ था तब भी नहीं थी, उससे पहले ही छूट गई ना। 30 साल हो गए, 30 साल ये चाची जी हैं, 32-33 साल हो गए, 32 साल हो गए कंप्लीट। आपको क्या लगा कि दिवाली के दिन चल जाएगी? मैंने कहा हमारी गाय पे आ जाएगी तो दीपावली चल जाएगी। अरे यार अरे भाई मुझे ऐसा भी नहीं पता था कि चाची गाय भी आ रखी है, लेकिन जब उन्होंने बताया मैंने कहा मम्मी को फोन करता हूँ, न्यूज देता हूँ वाली। अगर कल आने की खुशी हो रही है लेकिन दीपावली नहीं होने का उसका दुख भी है बहुत। लेकिन अगर कल भी आ जाती ना भाई सोचो फिर दिवाली खुल जाती। गाइस हमारे गाँव के बच्चे आ रखे हमारे पड़ोस के, क्या हाल चाल छोटू? ठीक है। ये हमारे राज भाई है। राज भाई बात तो सुनो यार, राज भाई दिवाली कैसी हो रही है? पटाखे वटाखे फोड़े नहीं फोड़े? हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली सब लोगों को, हैप्पी दिवाली भाई। ये ऐसी बातें करते करते कहीं भी बम फोड़ दे रहे हैं पता नहीं चल रहा। और ताऊ क्या सुन रहे हो? ये गाइस रेडियो है, देखो मेरे ताऊ रेडियो सुन रहे हैं। ताऊ बसता है ये? मेरे को ना ताऊ से तेज बोलना पड़ता है, ताऊ थोड़े कान कम सुनते हैं ना। भाई पटाखे फोड़ रहे यार ये, ये देखो अभी देखना, ये देखो ताऊ को डराओ मत तुम। हेलो जी गाइज वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड, एंड इस वाले एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है कोटा बाग से। और आज अर्ली मॉर्निंग मम्मी लक्कू भाई भी पहुंच चुके हैं, मामा मामी भी आ रखे हैं मकोट से, क्योंकि आज हमारी होनी है धान मडाई, तो फिर सब खेतों में। और उसके लिए ना अभी हमें ट्रैक्टर का इंतजाम करना है, क्योंकि यहाँ पर ना मडाई की मशीन किसी के पास है नहीं, बहुत कम लोगों के पास है। सारे धान अभी इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे फिर उसके बाद मडाई होगी। गाइज अब मैं अपने शूज ना चेंज करने जा रहा हूँ, सब लोग खेत में काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ वहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो चप्पल पहन लेता हूँ किसी के यहाँ से, फिर जाके खेत में लग जाते हैं, थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। चप्पल पहन लिए अब चलते हैं खेत पे। मम्मी लोग और मामी लोग उधर काम कर रहे हैं, इधर मामा मैं और पंकज भाई और लक्कू भाई भी थोड़ा व्लॉग भी शूट कर रहे हैं और साथ में हेल्प भी कर रहे हैं। और गाइस धान जैसे हम लोग सार रहे हैं ना, तो इसमें ना हमें फुल कपड़े पहनने पड़ते हैं, अगर हम हाफ कपड़ों में करेंगे फिर हाथ में ना खुजली एलर्जी वगैरह हो जाती है, इसलिए सब लोगों ने अपने को पूरा ढक रखा है। काम ज्यादा करो, बकचोदी कम करो। क्या बोल रहे भाई, शर्म लाती है क्या? और उधर की तरफ भी काम चल रहा है, उधर गांव की सारी ताई मामी चाची दीदी सब लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग ना यहाँ पर धान काट रहे हैं, जैसे काट के इस तरीके से बिछा देंगे, फिर ये 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, फिर उसके बाद इसकी मड़ाई होगी, तो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होती है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आ रखी है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, दलिया खा लूंगा अभी थोड़ी देर में, इसे रख देता हूँ। मैं कुछ ऐसा दिखता था बचपन में, छोटा सा मोटा सा, इसे ही रख देते हैं, यादें हैं भाई ये हमारी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यार चाय बनाने के लिए। मम्मी ने दूध कहाँ रख दिया? मम्मी दूध कहाँ है? दूध कहाँ रख दिया? तो इसमें दूध लेके आ रखी मम्मी, अब मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए। अभी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, चाय वगैरह पियेंगे फिर उसके बाद फिर से खेत में। भाई ट्रैक्टर आ चुका है, मशीन आ चुकी है मड़ाई के लिए, अभी रास्ता बना रहे हैं, यहाँ से फिर खेत की तरफ को जाएगा, वहाँ जाके मड़ाई होगी। हमारे यहाँ मड़ाई हो रही है धान की। तो तुम तैयार हो के क्यों आ रखे हो, मड़ाई नहीं करनी? यही तो हमारा ट्रेडिशनल पहाड़ी कल्चर है। ये हिमाचली है भाई साहब, क्या हो गया? अरे हिमाचल आधा उत्तराखंड पहाड़ी पहाड़ी। अरे बस बस। तो गाइस पुराने कपड़े निकल चुके हैं, ये कमीज पहन लेता हूँ क्योंकि अब मड़ाई का टाइम है, धूल बहुत ज्यादा धूल होगी। सौरभ भाई भी कमीज पहन के आ गए, तो तिरपाल बिछा रहे हैं ताकि जो धान के दाने हैं ना वो तिरपाल में गिरे और लास्ट में सब इकट्ठा हो जाए एक साथ, खेत में ना गिरे। मशीन चल चुकी है गाइस, अब ये कितने घंटे चलेगी उस हिसाब से चार्जेस हैं इसके, आधा घंटा एक घंटा,
और यहाँ से देखो ये जा रहे हैं धान, वहाँ से पराल निकल रहा है, ये आ रहे हैं धान के दाने मशीन से। I'll be the last one left when the light... मड़ाई फाइनल हो चुकी है, ये है भाई धान, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो छोटा कट्टा है और ये वाला थोड़ा बड़ा कट्टा है, और मड़ाई करने के बाद इतना पराल निकल रखा है और ये भी काम आएगा। सब लोग थक चुके हैं और बैठ चुके हैं, आराम कर रहे हैं भाई, कट्टे भी सारने हैं खेत से। भाई अब चाचा का ट्रैक्टर आ चुका है और ये लगेगा वहां पर, वहां से इसमें धान जाएंगे सीधे मेरे मालाकोट। धान उठा दिए, अब पराल की बारी। पराल ना गाय खाती है और साथ ही साथ गद्दों के अंदर भी डल सकता है, जैसे कोई जानवरों के लिए बिस्तर बनाने। अपने लिए जाड़ों में पहले लोग बिछाते थे, गज्जे बनाते थे। अच्छा, ठंडी लगती थी। अच्छा, जैसे किसी का बच्चा होता था तब गज्जे में भर के उसको उसका वो बिस्तर बनाते थे। सॉफ्ट भी बनता है ना, हो जाता है गर्म होता है ना। तो ये पराल और धान ट्रैक्टर में रख के जा रहे हैं सीधे मालाकोट। गाइस मैंने ना एक चीज गलत बोल दी ब्लॉग में, जो धान थे वो हम रखेंगे और जो पराल है ये मामा ले जाएंगे, ये था वो। मैंने बोल दिया धान भी इनका पराल भी इनके, ऐसा नहीं है, गलत फहमी को दूर कर देना। ओके गाइस, काम करते करते पूरी हालत ऐसी हो चुकी है, अभी नहाना पड़ेगा और ये पराल डाल दिया हमने ट्रैक्टर में और हम जा रहे हैं अभी ननिहाल। बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपसे। टिल देन बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस। I look at you and it's easy to see, you are that someone I've been trying to meet.